दिल्ली नोएडा बॉर्डर खुलने पर सस्पेंस बरकरार है। तो नई गाइडलाइन में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत दी है। दिल्ली से आने वाले लोगों को इसमें राहत दी गई है, जहां पर फैसले पर नोएडा प्रशासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बता दें कि अभी पहले की ही स्थिति की तरह आपको पास दिखाना होगा और फिर आपको नोएडा में आने की इजाजत मिल पाएगी। तो राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद प्रशासन इस पर निर्णय करेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली नोएडा बॉर्डर को लेकर खोलने के लिए अनुमति यहां पर सरकार ने कल दे दी। जो गाइडलाइन यहां पर योगी सरकार के जरिए जारी की गई है, उस गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि दिल्ली गाजियाबाद नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं वो अब खुल जाएंगे लोगों के लिए। लेकिन फिलहाल वहां पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जिन लोगों के पास सिर्फ पास है वही दिल्ली से नोएडा के बॉर्डर को क्रॉस कर पाएंगे। रियायत दे दी गई इसमें योगी सरकार के जरिए, लेकिन फिलहाल नोएडा प्रशासन इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है। और अभी पहले की तरह ही जैसे आप पास दिखाकर नोएडा में एंटर करते थे, वैसे ही आपको पास दिखाना जरूरी होगा। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार से विचार विमर्श इस मामले को लेकर किया जाएगा और उसी के बाद प्रशासन निर्णय लेगा कि वो बॉर्डर को खोलेगा या फिर नहीं। जैसे ही गाइडलाइन सामने आई थी उसके बाद लोगों ने यहां पर खुशी इजहार की थी और कई लोगों की भीड़ भी इस दौरान देखा जाए तो बॉर्डर पर देखी जा सकती है। गाइडलाइंस हैं, इसके हिसाब से बॉर्डर सील है अभी, और जिनके पास वैध पास है वही जा रहे हैं, जिनके पास पास नहीं है वो वापस की। तो फैसला यहां पर फिलहाल नोएडा प्रशासन ने नहीं लिया है। आपको बता दें कि अभी सरकार से इस मसले को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो बॉर्डर को खोलेगा या फिर बॉर्डर पहले की तरह ही सील रहेंगे। तो कल जो गाइडलाइंस यहां पर लॉकडाउन 4 को लेकर जारी की गई है सरकार के जरिए, उसमें नोएडा गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर्स को लेकर खोलने की अनुमति दी गई है, उसमें राहत दी गई है। लेकिन आज सुबह से गाड़ियों की कतार बॉर्डर्स पर देखने को मिली, क्योंकि उन लोगों को ही जाने की इजाजत नोएडा में दी जा रही है जो पास के साथ हैं। जिनके पास पास नहीं है उनको वहीं पर रोक दिया जा रहा है। सरकार की जो गाइडलाइन आई थी उसके बाद कई लोग अपने घरों से निकल पड़े थे, लेकिन फिलहाल रोक दिया गया है। और कितना वक्त लगेगा बॉर्डर को खोलने में ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस नई गाइडलाइन को लेकर सरकार से विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। और अमित दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, कल तो सरकार ने यहां पर गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन अभी स्थिति वहां पर जस की तस बनी हुई है, क्या कहना है वहां अधिकारियों का? देखिए, दो बड़ी चीजें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, तमाम जगह ये बात कही गई है कि जो हॉटस्पॉट एरिया है वहाँ पे कोई गतिविधि नहीं होगी। नोएडा की बात करें तो नोएडा में संक्रमण के कई सारे एरिया जो कि सील कर दिए गए हैं, और ऐसे में उनसे निकलने वाले और वहां तक पहुंचने वाले लोगों को भी ध्यान में रखना होगा। खासतौर पे खोड़ा जैसी जगह भी गाजियाबाद के इलाके में दिख रही है, और यही वजह है कि नोएडा प्रशासन ने अब तक इसे लेकर संज्ञान नहीं लिया है। तमाम गाइडलाइंस के बावजूद दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में जो पहले जाम की स्थिति दिखती थी कई जगह, उस तरह की स्थिति दिखने लगी है। तमाम लोग निकल पड़े हैं घर से, ऑटो रिक्शा बस सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में अब जो लोग नोएडा आ रहे हैं, हमारे पीछे यहाँ पे देखा भी जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पे जाम की स्थिति जो है वो लगी हुई है, क्योंकि लोगों को बाकायदा यहाँ पे चेक किया जा रहा है, और जो पास की अथॉरिटीज हैं वही सिर्फ यहाँ पे अलाउ की जा रही है। कुछ इक्का दुक्का जो जरूरी सेवाओं वाले लोग हैं उन्हें अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे परमिशन दे रहा है तो वो जा सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो यहाँ पे चेकिंग कर रहा है उसके रहमो करम पे है कि वो इजाजत दे या ना दे। अभी तक आधिकारिक गाइडलाइन जो है वो नोएडा प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। अभी जो हमारी नोएडा के अधिकारियों से बात हुई है, कुछ ही देर में वो अपनी चीजें क्लियर करेंगे कि आखिरकार नोएडा में किन लोगों को प्रवेश मिलेगा। जी चलिए, धन्यवाद फिलहाल आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के।